प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह अर्की उपमंडल में भी मौसम ने अपना करवट बदल दिया है। ठंड अधिक होने से लोग घरों में दुबके रहे, वहीं सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही ठंड से अर्की बाजार व गांव में जहां आवाजाही कम दिखाई दी, वहीं अधिकतर दुकानदार अलाव व हीटर सेकते दिखाई दिए। ईश्वर शर्मा ने कहा कि मौसम खराब होने से सर्दी अधिक बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर बारिश हो जाती है तो सर्दी में जहां कुछ गिरावट आएगी, वहीं बीमारियों पर भी अंकुश लगेगा। वहीं मदन लाल ने कहा कि काफी दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिस कारण काम करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर बारिश हो जाती है तो उन्हें शुष्क ठंड से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह अलाव सेक कर ठंड से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आज सुबह आसमान में बादल छाए रहे व धूप छांव का खेल चलता रहा। अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उपमंडल में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है, वहीं ठंड अधिक हो सकती है। आजकल सर्दी बहुत बढ़ गई है और लोगों का काम करना मुश्किल हो गया है। देखो, दुकानदारों के लिए आग जलानी पड़ती है यहाँ पे, और अगर बारिश हो जाती तो इससे पशुओं के लिए चारा, फसलों के लिए भी बहुत अच्छा था, और बीमारियाँ भी खत्म हो जानी थी। इससे लोग बीमारी कुछ पेट में अधिक आ रहे हैं आजकल, इसलिए हम देखो अलाव आग जलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पे आग सेक रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।